आज श्री राम का रासलीला करेंगे पीएम मोदी। रामनगरी में है दीपोत्सव, बनेगा विश्व रिकॉर्ड। पूरी अयोध्या राम में हो गई है, दीपोत्सव की अद्भुत छटा बिखर रही है। राम कथा पार्क को राजभवन की तरह सजाया गया है। रविवार शाम जब यहां पुष्प विमान रूपी हेलीकॉप्टर से माता सीता व तीनों भाइयों के साथ भगवान श्री राम उतरेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ की अगवानी करेंगे। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वशिष्ठ की भूमिका में उनका रासलीला कर आरती उतारेंगे। अयोध्या का छठा दीपोत्सव इस बार नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका साक्षी बनेंगे, तो 15 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारियां हैं। कई देशों के राजदूतों के साथ 10,000 लोग इनका गवाह बनेंगे। रासलीला के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होगी, श्री राम की स्तुति गूंजेगी। सरयू पुल पर 20 मिनट तक ग्रीन आतिशबाजी। अब की सरयू पुल पर करीब 20 मिनट तक पटाखों की आतिशबाजी होगी। पीएम सीएम सरयू तट पर बने मंच से इसे निहारेंगे। पुल व घाटों को फूलों व झालरों से सजाया गया है। आज 5001 बत्ती की महाआरती करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण की प्रगति भी परखेंगे। पीएम मोदी रामनगरी में 3 घंटे 20 मिनट तक रहेंगे। इसी दौरान वे रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। 6:10 पर भगवान श्री राम के स्वरूप का राज्याभिषेक करेंगे। इसके बाद सरयू तट पर आरती में सम्मिलित होंगे, फिर राम की पेड़ी पर दीपोत्सव में शामिल होंगे। अभूतपूर्व दिव्य भव्य होगा दीपोत्सव, पहली बार 8 देशों की रामलीला। अयोध्या में यह पहला अवसर है जब विश्व के 8 देशों की रामलीला का मंचन होगा। देश विदेश के 1800 से अधिक लोग कलाकार दीपोत्सव का वैभव बढ़ाएंगे। विश्व रिकॉर्ड की तैयारियां, 15 लाख दीप प्रज्वलित होते ही मंत्रमुग्ध होगी दुनिया। अयोध्या रविवार को राम की पेड़ी पर 15 लाख दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम मौजूद रहेगी। रिकॉर्ड बनाने के लिए 15 लाख दीपकों को 5 मिनट तक लगातार जलना जरूरी है, साथ ही सभी दीपकों को 40 मिनट के अंदर जलाना होगा।